गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज है 27 फरवरी और हम कुछ इस जगह पे लगाए थे टेंट और जस्ट बगल में दुकान जो है इन्हीं से परमिशन लिए थे। तो रात में आपने देखा था, काफ़ी ज़्यादा रात हो गया था उस शॉप पे। तो अन्ना से मिलने के बाद मैं इधर आ गया, इधर लाइट नहीं था, दूर था, अच्छे से आ नहीं रहा था, इसलिए मैं वीडियो लास्ट में आपको नहीं दिखा पाया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग हर हर महादेव को नाम लेके। यहाँ से मैसूर 65 किलोमीटर है, तो देखते हैं कहाँ तक का सफर रहता है। तो चलिए अभी मैसूर टोटल 32 किलोमीटर है। मैं इसे रोड से ही जा रहा था, मेरे को एक बहुत ही खूबसूरत टेंपल देखा जो नरसिम्हा स्वामी का टेंपल है। टेंपल उस तरफ भी है, मैं अभी गूगल में फ़ोटो देख रहा था, तो यहाँ से पूरा कोई इधर कार्यक्रम होता है तो यहाँ से वहाँ तक पूरा नाव ऐसे लगा था। काफ़ी खूबसूरत तो मंजर रहता होगा जो इस मंदिर से उस मंदिर तक का ऐसे रास्ता नाव से बनाते हैं सब, ये मेन गोपुरम। तो चलिए चलते हैं मैसूर साइड, यहाँ से 32 किलोमीटर है, आज मैसूर पहुँच जाएंगे। अगर मेरे को सही सिस्टम मिल गया तो मैं मैसूर आज स्टे लूँगा। तो चलिए मैसूर अभी 15 किलोमीटर है और साइकिल में एक प्रॉब्लम आ गई भाई, पता नहीं क्यों अच्छे से चल भी नहीं रहा है, इस तरह से कुछ आवाज़ आ रहा है। इसका बैरिंग में कुछ, तो अब आगे शॉप पता नहीं कितने दूर पे है, उधर दिखाना पड़ेगा। और मैं जहाँ पे रुका हूँ इधर, आप वो सब जो पेड़ देख रहे हैं वो पूरा सुपारी का पेड़ है, जो तम्बाकू खाने में सुपारी सब यूज करते हैं और पूजा हर जगह बहुत जगह सुपारी का यूज होता है। तो बहुत जगह मैं देखा, मैं कंफ्यूज था किस चीज़ का पेड़ है, तो यही है सुपारी का पेड़। और टाइम बाद भाई दुकान मेरे को मिला और वेज कुछ ऐसा ऑर्डर किया। इधर इधर भी जो भी शॉप है टोटल नॉन वेज है, तो दो दुकान पीछे भी था उधर वेज नॉन वेज ही था, किसी तरह इधर वेज का जुगाड़ हुआ। तो चलते हैं खाते हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे आगे, बहुत तेज भूख लगी। अभी मैं जस्ट वहाँ से खाना खा के आ रहा हूँ, अभी आधा घंटा हो गया आते हुए। इधर एक एक्सीडेंट हो गया, लूना थी इनकी और सामने कार था भाई। इस पे स्पीड का कोई लिमिट ही नहीं है, सिंगल रोड है तो भी इतना स्पीड है अपना। अभी शाम का 6:30 बज गया, मेरे को कोई भी दुकान नहीं मिला। अन्ना भी जा रहे थे, अन्ना से मैं पूछा किधर भी, अन्ना साइकिल का रिपेयर का शॉप है, तो अन्ना ने बताया क्या प्रॉब्लम है। मैंने बताया तो अन्ना को थोड़ा नॉलेज है, तो अन्ना खुद मेरा साइकिल सही कर रहे हैं। थैंक यू सो मच अन्ना। तो अभी देखते हैं अगर थोड़ा ठीक हो जाता है तो ये रस्सी लूज करो जाइए। हाँ ना, लूज करो। अच्छा, अच्छा। पीछे एक सेकंड, ये राउंड रिंग का रिंग। अभी जो अन्ना मेरे साथ थे उन्हीं के घर पे आज रुकेंगे, अभी 7 बज रहा है। तो अभी हम आए थे कुछ इस तरह से साईं बाबा के टेम्पल पे दर्शन करने, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो अभी अन्ना गए हैं कपूर लेने, यहाँ कपूर जलाएंगे। तो अभी अन्ना के यहाँ से 2 किलोमीटर अंदर उनका घर है, तो चलते हैं घर पे। अभी साइकिल का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो मॉर्निंग में देखेंगे कुछ क्या होता है, मॉर्निंग में अपना कोशिश करेंगे सही करवाने का। तो अन्ना को कुछ नॉलेज है, अभी उसमें जो छर्रा लगता है वो छर्रा टूट चुका है, ऐसा ही कुछ है, तभी आवाज़ आ रहा था। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, यही वो आदमी है जो मेरा मोबाइल चुराएगा और इस रात मैं इसी के घर पर जाऊँगा। और देखिए कितना प्यार से पूजा पाठ कर रहा है और ये सब इसका दिखावा है। बहुत शातिर चोर अपराधी है, एक ट्रैप है जिसमें मैं फंस गया। इस तरह के ट्रैप में कोई भी फंस सकता है और ऐसे लोग से थोड़ा सा आप दूर रहें, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं, इनका कोई भी धर्म नहीं होता। ये किसी भी धर्म में हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं और मुस्लिम भी हो सकते हैं, तो ऐसे लोगों को पहचानिए। हम अन्ना के घर पहुँच चुके हैं, अन्ना का कुछ इस तरह से घर है। इधर काफी खूबसूरत, वो देखो उधर खुशी चिल्ला रही है। अच्छा अच्छा, ओ जी मेरा अब्बा। अच्छा आपके पूरा मर गया। अच्छा अच्छा, मेरा बड़े दीदी। अच्छा आपके बड़े दीदी हैं। मेरा देवर चामुंडेश्वरी। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा बेटा का फोटो। अच्छा अच्छा, प्रजेश ए अन्ना अंकल के बेटे हैं। देखिए अंकल, अंकल का डॉगी और सब डेली बेसिस खिलाना। एक लोग को थोड़ा हिंदी आता था, वो बोलते थे कि ये चोर आदमी है यार, मैं पता नहीं कैसे ऐसे चक्कर में फंस गया।
अब यहाँ से मैं चलता हूँ पुलिस स्टेशन, फिर देखते हैं क्या होता है। प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा फंस गया, इस तरह से घर है। और मैं रात में इस वाले रोड से आया था और जस्ट कोने वाला उनका घर है, और मैं अब इस सीधा रूट से चल रहा हूँ। और मैं जहाँ जहाँ जैसा जैसा टर्निंग रहेगा दिखाते चलूँगा, ताकि मेरे को भी लोकेशन कंफर्म याद रहे। अभी टाइम हो गया 3 बज रहा है और हम अन्ना मॉर्निंग से मेरे साथ परेशान है एकदम, और ढूंढ रहे, अभी वो मिले नहीं हैं। तो अन्ना कुछ करना चाहते हैं आप? करे अभी वो शाम में मिलता है 5-6 बजे, वो फोन मन के देता अभी घर में जाके तो अच्छा मार के पकड़ के खूब डालेंगे, तुम्हारी चीज मंगवा देंगे। तुम भी इधर पाद यात्रा आके है, वो 400-500 किलोमीटर से आके है पंप साइकिल में, कोई आदमी परेशान है तुम्हारे को हम हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच मच अन्ना, थैंक यू सो मच अन्ना। तो इस तरह से अभी देखिए, मेरे को कहना नहीं चाहिए, वो जहाँ पे मैं रुका था वो हिंदू हैं, और अन्ना जो मेरा इतना हेल्प कर रहे हैं मुस्लिम है, तो इसलिए मैं फिर एक बार आपसे बोलता हूँ कि जात और धर्म देख के कुछ भी मत किया करिए। अपना धर्म सबको प्यारा होता है, दूसरे के धर्म के बारे में मत बोला करिए बुरा, यही हम कहना चाहते हैं। और अभी जब हो जाता है सब, तो फिर अन्ना से अच्छे से बात कराएंगे, तो अन्ना सब कुछ बताएंगे आपको। जस्ट यहाँ पे खाना लेने आया हूँ, और इमरान अन्ना है इधर के ऑनर, तो अन्ना ने बहुत हेल्प किया अपना। अभी हम और अन्ना सब लोग उधर वेट कर रहे हैं कि कब वो आए, तो अभी इधर आए खाना थोड़ा पैक करने के लिए। अभी रात का 10 बज गया है और हम सब लोग वेट कर रहे थे, अभी वो आए नहीं है। तो अन्ना सब लोग मिले, थैंक यू सो मच अन्ना इतना हेल्प करने के लिए। तो अब देखते हैं, अभी इधर ही रुकेंगे, कल देखते हैं क्या होता है, कैसा होगा आपको बताएंगे। फाइनली भाई मेरा मोबाइल मिल गया, और मोबाइल सिर्फ अन्ना सभी अन्ना के कारण मिला है, नहीं तो नहीं मिलता। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अन्ना समीर अहमद, इरशाद और नयाज, बाबा की बहुत मेहनत होती है। बाबा जी तो मेरे साथ ही थे, कल पूरा दिन मेरे साथ वो खोज रहे थे। और क्या बोला, वैसा आदमी लेके गया, भाई जो मेरे को स्टे दिया था, जो रोका था वो हिंदू था, और अच्छे से सब पूजा पाठ सब कुछ करा था, और जो मेरा हेल्प किया वो मुस्लिम है। अब सोच सकते हैं आप कितना अंतर है, इसीलिए किसी भी धर्म को आप कुछ भी मत बोला करिए। और हर धर्म में कुछ गड़बड़ होते हैं, तो जैसे हिंदू में था ना, बंदा मेरे को रोका और उधर मेरे सामने ही पूजा पाठ सब कुछ किया, उसके बाद मेरे साथ ऐसा किया, तो अन्ना उन्ना सब हेल्प किए, तो मैं बहुत आप लोगों का आभारी हूँ। और अन्ना के लिए एक बार धन्यवाद आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा सबके लिए, तो थैंक यू सो मच। और हम मुस्लिम से हैं, और जात पात का क्या भी नहीं है, हम भाई हैं, भाई रह गए थे कोई क्या भी नहीं। मेरा भाई 4,000 किलोमीटर से आया है साइकिल पे, और इसके बाद भी हमारा भाई गांव पर जाए तक भी हमारी दुआ है। थैंक यू सो मच। बस स्टैंड के जस्ट बगल में सातकड़ी बस स्टैंड है, सातकड़ी बस स्टैंड। और ये अन्ना है होटल के ऑनर, तो अन्ना इधर बहुत सब कुछ, सब लोग बहुत हेल्पफुल हैं। मेरे साथ ऐसा हो गया, लेकिन सब लोग मिल के समझ लीजिए, कल मेरे साथ मॉर्निंग में पता चला था मेरा मोबाइल खो गया है, उसके बाद सब लोग पूरा हेल्प किए मेरा, तो सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से हमारे भाई का मोबाइल खो गया था, हम पूरे मिल के घूम के देखे, हमारा भाई 4,000 किलोमीटर से साइकिल में आया है हमारा भाई को, और इधर चामुंडेश्वरी हमारी माता है। चलिए, जैसा आपने देखा कि मेरा मोबाइल अब तो मिल गया, तो ब्लॉग तो बहुत अच्छा नहीं था, मैं 2-3 दिन जैसा भी 2 दिन का मेरा ब्लॉग एक ही में हो गया। मेरा जब से मोबाइल खोया था मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, तो कैसे क्या होता। तो आपने देखा कि लोग किस भेस में भी मिल सकते हैं आपसे, किसी तो लोग किसी भी भेस में आपसे मिल सकते हैं, और मेरे को बहुत तकलीफ़ है कि ऐसे इंसान जो कि वो हिंदू है, और ऐसे इंसान को अपने आप को बोलता है मैं हिंदू हूँ, बहुत बड़ा सनातनी हूँ, ये हूँ फलाना ढिमकाना दुनिया भर का, तो ऐसे लोग भाई किसी भी धर्म के काबिल नहीं है। वो ऐसे इंसान हर धर्म में होते हैं ना। मैसूर से लगभग 25 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ इधर पूरे वाले रास्ते पे, तो मेरा मोबाइल जैसा आपने देखा मोबाइल मिल गया है, तो ये ब्लॉग यहीं पे करते हैं ख़त्म। जैसा भी हो, 2 दिन मेरे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ, और बहुत ही अच्छे लोग मेरे को मिले जैसा आपने देखा, बहुत हेल्प किए बाबा अन्ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेरा हेल्प किए, जितना मैं बोलूँ सब कम है।
तो थैंक यू सो मच अन्ना, अन्ना के लिए एक आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो नाइट स्टे का जगह मिल गया, पेट्रोल पंप के जस्ट बगल में दुकान है, दुकान के पास कैमरा वगैरह सब कुछ लगा है और बगल में मेरे बिहार के भाई लोग भी रहते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। तो अभी मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आप पूरे दिन का क्या क्या हुआ दो दिन से वो आपने देखा ही है, तो एक बार भैया लोगों के लिए कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। उन्होंने मेरा देख ही रहे आप कितना ज़्यादा हेल्प किए हैं, जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता, इतना हेल्प किया हमारा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।